नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइटेड मेल पाम है, इन्होंने अपनी बताई थी 40 वर्ष। सवाल इनका ये था कि इनका केस चल रहा है तो केस में जीत होने के संकेत हैं या फिर हार का सामना इनको करना पड़ेगा, सेटलमेंट होगा, क्या चीज रहेगी, हम इनके हाथ में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके हाथ में जब भी मेरे पास केस वाले सवाल आते हैं तो मैं सबसे पहले लेता हूँ बाहरी मंगल। बाहरी मंगल पर शत्रुहंता युग का निर्माण नहीं हो रहा है तो आप मान के चलिए आपके हाथ में जीतने के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर है। एक बार को कोई चमत्कार हो जाए, भगवान की कृपा बरस जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रेखाओं के हिसाब से अभी आपके हाथ में केस जीतने के कोई भी चांस नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, अब बात करते हैं सेटलमेंट मिलेगी या हार मिलेगा। देखिए, आपके हाथ में राहु रेखा देख पा रहे हैं, इस प्रकार कटी, इस प्रकार कटी, इस प्रकार कटी, राहु रेखा ज्यादा काट रही है। जीवन रेखा को भी, भाग्य रेखा को भी, मतलब जीवन प्रभावित होगा, भाग्य भी प्रभावित होगा और बहुत सारी चीजें जो आप सोच भी नहीं पा रहे वो चीजें आपके हाथों द्वारा या फिर आपके कर्मों द्वारा आपके जीवन में प्रभावित होंगी। तो मान के चल सकता हूँ आपके हाथ में सेटलमेंट के चांसेस भी मुश्किल है। ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके हाथ में हारने की ही मैं देख पा रहा हूँ। देखिए, आजकल लोग उसी पामिस्ट या उसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ करता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे जो रेखाओं में दिखेगा मुझे वही बताना पड़ेगा, तो आप निराश हो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके हाथ में ना तो केस जीतने के चांस है और सेटलमेंट होने के भी बहुत कम चांस है। ना बराबर मान सकता हूँ आपको ये केस शायद आपके हाथों से निकल जाए, ये चीज रहेगी। बाकी अगर कुछ उपाय होंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा, किस तरह इन चीजों से बचा जाए, इसके प्रॉपर उपाय आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अब आप कहते हैं शुक्रदेव की सीधी देखते हैं, शुक्रदेव पर ये सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं। शुक्रदेव पर जब ये रेखा होती है तो मान के चलिए पारिवारिक समस्या नहीं आती, इतनी पारिवारिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा। अगर ऐसे तो इन्वेस्टमेंट करता है कहीं भी, आप मान सकते हैं कहीं भी आपका मन करे, सोना चांदी, गोल्ड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट, जमीन जायदाद, जहां भी इन्वेस्ट का मन करे वहां इन्वेस्ट कीजिए, फायदा 100% मिलेगा। और लग्जरियस चीजों के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, एक समय पर आकर साइलेंस चीजों को एंजॉय करता है। जैसे कि इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए, इन सारी चीजों की मेहनत करेंगे और सफल भी होंगे। अंदरूनी मंगल पर देखिए, एक तो आपकी जीवन रेखा अच्छी है, यहाँ पर मंगल रेखा का साथ मिलता है तो आप एक मजबूत पक्ष अपनी तरफ से रख पाएंगे अपने केस में, लेकिन फिर भी इतना मजबूत हाथ नहीं है कि आप उसे जीत जाएं या फिर कुछ अच्छा अपना फायदा निकाल लें। सेटलमेंट ही होगा एट द एंड और ज्यादा चांसेस ये है कि सेटलमेंट में भी आपको नुकसान चला जाए। सरकारी नौकरी का आपने पूछा था कि सरकारी नौकरी लगने के चांस नहीं है, सर गवर्नमेंट जॉब अगर लग भी जाती है तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब लगे ना लगे व्यक्ति को चाहिए होता है पैसा, पैसा आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब से उतना नहीं है। बाई चांस गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है तो मैं मान के चल सकता हूँ जो आपका लक है, आपका किस्मत है, वो आपकी किस्मत व्यापार में या फिर किसी और काम में ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब अगर लग भी गई तो उतना पैसा जो आप सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करके इतना पैसा कमा लूंगा वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर आपके गुरुदेव की स्थिति देखी जाए तो दो रेखा है और यहाँ पर स्क्वायर भी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए, जब दो रेखा इस प्रकार बनती है, स्क्वायर बन जाता है कि धार्मिक होता है, धर्म कर्म जैसे कार्य अगर करते हैं तो बड़ा लाभ मिल जाएगा, पर आपको रखना भी चाहिए। देखिए, ऐसे व्यक्ति अगर निष्फल भावना से काम करें, अगर मान के चलिए आप अपना फायदा ना सोचते हुए समाज की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, गरीबों को खाना खिलाएं। देखिए, मैं हर वीडियो में हर किसी पर जोर देता हूं कि आप समाज सेवा जैसे कार्य कीजिए, क्यों कीजिए। देखिए, समाज सेवा ऐसा कार्य है कि आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपने सुना भी होगा दान का लाभ हमेशा दानी को मिलता है, दान पाने वाले को नहीं। जितना आप दान पुण्य करेंगे, अपने कमाए गए पैसे का थोड़ा बहुत डोनेट करेंगे, 110% आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये काम आप कैसे करना है, किस प्रकार करना है, मैं आपको पर्सनली वार्ता पर समझा दूंगा। और अगर आपके हाथ में मैं यहाँ पर देखूं, शनिदेव भी दबे हुए हैं। देखिए, ये और नेगेटिव पॉइंट लाता है जब व्यक्ति में केस चल रहे हो, क्यों? शनिदेव होते हैं धर्म के कारक, न्याय के कारक और न्यायालय से जुड़े मालिक, सॉरी न्यायालय के मालिक शनिदेव ही होते हैं। ये अगर बैठ जाए तो केस जीतने के जो चांसेस में और नेगेटिविटी आती है और नकारात्मकता आती है और व्यक्ति पीछे हटता है केस जीतने के चांसेस से, तो ये चीज आपके हाथ में रहेगी। और मान के चलता हूँ, देखिए अगर इतने सारे पॉइंट्स मिल जाए तो व्यक्ति कहीं से कहीं तक केस जीत ही नहीं सकता, तो शनिदेव जो है ये आपके केस जीतने के चांसेस को और घटा रहे हैं। इसके भी आपको उपाय देने की जरूरत रहेगी। और देखिए, जो मेरे उपाय होते हैं कोई जादू टोना टोटका नहीं होता, सिंपल साधारण बहुत ही आसानी से करे गए उपाय होते हैं, खुद आजमाए गए उपाय होते हैं, फायदा 100% मिलता है, ना कुछ ज्यादा खर्चा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि उपाय के नाम पर मैं आपसे कह दूं कि जी 1 लाख का खर्चा आएगा, 10 लाख खर्चा आएगा, कुछ नहीं होगा। ना ही कोई जादू टोना, काला जादू, रहस्यमय विद्या, कुछ नहीं, सिंपल साधारण आपको लॉजिक भी दिख जाएगा कि हाँ जी ये लॉजिक है, इस वजह से उपाय काम करेंगे, फायदा मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी मेरी शर्त रहती है कि आपको मेरे दिए गए उपाय हमेशा करने रहेंगे, डेली करने रहेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 1-2 साल जो जोश में कर लिए बाद में छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, उपाय रोज करने, फायदा मिलेगा आपको। सूर्यदेव जो है यहाँ पर एक ट्रायंगल की आकृति बन रही है। देखिए, एट द एंड व्यक्ति को सफलता मिलती है, 100% मिलती है, अगर यहाँ ना मिले तो कहीं और मिलेगी, लेकिन सूर्यदेव होते हैं व्यक्ति की सफलता के कारक, साहस के कारक, अंतर आत्मा, स्वाभिमान, यश, कीर्ति, बहुत सारी चीजें। मैं गिराने बैठा हूँ तो वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजों के कारक माने गए हैं। और जो सफलता का स्तर होता है
उसमें सूर्यदेव की मुख्य भूमिका होती है। और ये इतना अच्छा अगर आपके हाथ में कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ट्रायंगल की आकृति बन रही है, तो सफलता मिलेगी। एट द एंड ठोकर खाकर, परेशानियों से जूझ कर, लड़ कर, समस्याओं से जूझ कर, काफी सारी परेशानियों को झेलने का व्यक्ति सफल हो ही जाता है। एक हैप्पी एंडिंग वाली बात व्यक्ति के जीवन में 110% होती है। यहाँ पर जो आपके बुद्ध देव है, बुद्ध देव अच्छे हैं, इस पर 2 से 3 से दिखड़ी रेखा होती, तो ये सफलता में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके नाम मात्र पर होता है। मैं आपको वीडियो बता देता हूँ, ऐसे व्यक्तियों को जिसके यहाँ पर सीधी खड़ी लाइन्स ना हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की संतान का बड़ों के नालायक निकल जाना ये चीज रहती है। इस चीज पर खास ध्यान रखिएगा, संतान पर अभी से थोड़ा फोकस बढ़ाइए। ये चीज मैं मान के चल सकता हूँ थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। और संतान को जवानी के समय दूर जाकर रहना मान सकते हैं कि आप अपने घर पर रह रहे हैं, संतान आपकी पैसा कमाने के लिए बाहर रह रही है। संतान से विच्छेद, दूर जाकर रहना, या फिर कम बातचीत होना, या फिर बीच बीच में लड़ाई झगड़ हो जाना, ये चीज रहती है। इसी का खास ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो आपके हाथ में ये धनुष आकार रेखा बनी है, तो चाहे जीवन में कितनी समस्या, कैसी प्रॉब्लम आ जाए, आप उनसे बचकर निकल जाएंगे और सही समय पर, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं वो सही समय पर लेंगे, जल्दबाजी में आकर गलती से भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। जो जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेंगे उन्हें सही रास्ते पर अपने लिए गए निर्णयों को आप सही कन्वर्ट कर देंगे राष्ट्र मेहनत के द्वारा। पिंकी फिंगर आपकी सूर्य रेखा के लिए फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है, थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। ये जब छोटी पड़ जाती है तो समस्या क्या रहती है, देखिए, लोगों के सामने अपनी बात ना कर रख पाना, अपना पक्ष ना रख पाना, अपनी बारी आती थोड़ा ढीला पड़ जाना, कहीं ना कहीं मनी के मैनेजमेंट में दिक्कत आना, पैसे को इन्वेस्टमेंट करके नुकसान होना, ये समस्या रहती है। इस चीज़ का जो उपाय रहेगा, उपाय कुछ नहीं होता कि आपको बस इस उंगली का नाखून बढ़ा के रखना रहेगा। जितना देखिए, ये ऐसा उपाय है कि पूरी तरह सफलता तो नहीं मिलती, मान के चल सकते हैं कि इसके जो दुष्प्रभाव है वो थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। बाकी अपने नेचर से मैं आपको कंसल्ट बता ही दूंगा कि कैसे क्या रखना है। देखिए, ऐसे व्यक्ति को कभी भी जुड़ा हुआ पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। क्यों? अगर जुड़ा हुआ पैसा आपके पास रहेगा तो वो जल्दी खर्च होगा, उसे जल्दी आप वेस्ट कर सकते हैं या फिर बेफिजूल की चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा रुका हुआ पैसा, जुड़ा हुआ पैसा, बड़ा पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसका जो पूरा नुकसान है वो फिर खत्म हो जाता है। अपने नाम से इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने नाम से प्रॉपर्टी ना खरीदें, और रुका हुआ पैसा, जुड़ा हुआ पैसा अपनी नजरों के सामने ना रखें। पैसे को सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग के अंदर डालिए, फायदा मिलेगा आपको। राशियां बढ़िया हैं, जैसे मैं हर वीडियो में गिनाता हूँ, मेष, वृषभ, मिथुन ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राशियां बढ़िया हैं। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा इस प्रकार सीधी चली गुरुदेव बृहस्पति तक। देखिए, फिर आपके हाथ में आपकी जो हृदय रेखा का मिलाप है वह बृहस्पति से हुआ है। देखिए, बृहस्पति से जब हृदय रेखा का मिलाप होता है, हृदय रेखा होती है अंतरात्मा, गुरुदेव होते हैं मान सकते हैं बृहस्पति, यानी दान, दक्षिणा, शिक्षा, धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, मैरिज लाइफ, धर्म पत्नी। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय ज्यादातर शादी के बाद देखा गया है। शादी के बाद व्यक्ति अपने जीवन साथी के सपोर्ट से काफी ग्रो करता है। और देखिए, ये जो हृदय रेखा, ये डायरेक्ट जा रही है गुरुदेव की तरफ, गुरुदेव बृहस्पति को देख रही है। सीधे सीधा मतलब ये निकलता है कि अन्नदान करना रहेगा, 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार अन्नदान की आदत डालीजिए, 6 महीने में एक बार अपने पुराने वस्त्र जो रहेंगे उनको गरीबों को दान दीजिए, जरूरतमंद को। और जैसे ही आप अपना पुराना वस्त्र गरीबों को दान देंगे, उसके तुरंत शुभ परिणाम को देखने को मिलेंगे। हर 6 महीने के अंदर आप बनाइए कि जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, जो पहने लायक ना रहे, या फिर आप उन्हें रिटायर कर दें, तो उन्हें जरूरतमंद को तुरंत दान दे दीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जरूरतमंद को, ऐसा मत कीजिएगा आपने किसी को भी दे दिए फिर उसने भी किसी और को दे दिया, ऐसा नहीं। वो आपके दिए गए कपड़े पहने जाने चाहिए। मस्तिष्क रेखा में दिक्कत है, बार-बार स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कत आपको जीवन में चलती रहेगी। मस्तिष्क रेखा को मजबूत करने का केवल एकमात्र ये उपाय होता है कि महादेव को जल चढ़ाइए और मेडिटेशन कीजिए। सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करने से इसके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। बाकी किस प्रकार को सही करना है वो मैं आपको बता ही दूंगा पर्सनली व्हाट्सएप पर भी। मेडिटेशन अगर करते हैं तो बहुत रिलीफ मिल जाएगा, एक आपको आंतरिक शांति और एक परम आनंद की अनुभूति आपको मेडिटेशन करने से रहेगी। जीवन रेखा में दिक्कत है, जीवन रेखा में बड़ी प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूँ। इस प्रकार की जीवन रेखा हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये इस प्रकार चली। जीवन रेखा छोटी है, और देखिए ऐसा नहीं होता कि जीवन रेखा छोटी है तो जीवन छोटा रहेगा एक्सेट्रा, ये बहुत सारी बातें हर लोग कोई बनाता है, बहुत सारे यूट्यूबर डराते भी हैं कि जीवन रेखा छोटी है तो जीवन छोटा रहेगा, ऐसा नहीं था। देखिए, मैंने तो पर्सनली ऐसा ऐसा भी देखा है कि जीवन रेखा यहाँ तक थी लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, या जो भगवान की मर्जी से माने। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जीवन रेखा छोटी थी, बहुत लंबा जिए, 70, 80, 90 साल तक जिए। क्यों जिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जीवन रेखा छोटी होती है तो जिन्हें परेशानी चलती है, लेकिन किस प्रकार परेशानी को हैंडल किया जाए वो आपको मैं वीडियो में शायद बता ही चुका हूँ। मेडिटेशन करिए और क्या क्या दान दक्षिणा जैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिए, छोटी जीवन रेखा वालों के लिए मैं ये नहीं कहता कि दिक्कत आएगी, मैं बस ये कहता हूँ एक मंत्र आपको दूंगा, उस मंत्र का जाप आपको डेली करना रहेगा। सुबह सुबह 15 मिनट उठने के बाद उस मंत्र का जाप कीजिए, छोटी जीवन रेखा के दुष्प्रभाव सारे खत्म हो जाएंगे, सारे A to Z, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और आप वीडियो देखने के बाद मुझे तुरंत याद दिला दीजिएगा कि उस मंत्र को मुझे दे दीजिए। वो मंत्र इस प्रकार का है, बिल्कुल अमृत मंत्र है, दे दूंगा, उसे करिएगा, आपको 2 से 3 साल के अंदर उस मंत्र का शुभ प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जहां पर आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा ही जीवन रेखा लास्ट में बनी है, यानी व्यक्ति भाग्य के दम पर पैसा कमाएगा। और भाग्य यानी पास्ट लाइफ, पुराने कर्म जो रहेंगे, पुराने कर्म सामने आएंगे, तो पुराने कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो अच्छा पैसा आएगा, बुरे रहेंगे तो बुरे नुकसान होगा। लेकिन पुराने कर्म व्यक्ति के भाग्य में बड़ा रोल प्ले करते हैं। दो भागों में टूटी है, संतान द्वारा सेवा रहेगी लेकिन संतान बुढ़ापे में दूर जाकर रह सकती है। मान सकते हैं कि ऐसी फैमिली जहाँ पर माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे दूर रहते हैं, ये समस्या ना आए इसके आप खास ध्यान रखिएगा। और आपके हाथ में जो आपकी ये अवसर नहीं दिख रहा है, संतान जो है संतान द्वारा सेवा तो रहेगी, 100% रहेगी। तो आपके पाम का मैंने पूरा कर दिया, आपके पाम की हेलेट क्या थी, आपके पाम में जीवन रेखा छोटी, इसके उपाय दूंगा, किस जीतने के चांसेस नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई में आपको बता रहा हूँ कि केस जीतने के चांसेस मैं काफी कम देख पा रहा हूँ। बाकी मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करता पूरी तरह से, हाँ ना मैं भी नहीं करना चाहता। तो बस यही है, आप समझ गए होंगे, जीवन रेखा पर भी और बाकी सारे हाथों की रेखाओं को विश्लेषण करने के बाद भी मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि केस शायद आप ना जीत पाए। बाकी आपकी मस्तिष्क में दिक्कत है, इसके आपको उपाय दूंगा। शनि देव दबे हुए, इसके उपाय रहेंगे। और मंगल पर जो छोटी छोटी राहु रेखा जो जीवन रेखा को काट रहे हैं, इसके आपको उपाय दूंगा। और आप मुझे वीडियो देखने तुरंत मैसेज पर टाइप कर दीजिए कि आप मुझे इन चीजों के उपाय दे दीजिए, तो आपको सारे उपाय दे दूंगा और आपको एंड एंड सेटिस्फाई करके ही भेजूंगा। तो मैंने आपके पांच फलसेस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि थोड़े बहुत ज्ञान से आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊंगा। इसके बाद भी कोई डाउट ऑफ करेगा तो आप मुझसे पिछली बार से पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।